बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है, यूज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 टू फाइंड द फॉलोइंग। नंबर ए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट पी 5-4। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव मालूम कर लें। दूसरा, टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट पॉइंट पी -4, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करना है। और तीसरा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट पॉइंट 6-0। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जनरल डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमारे साथ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस 6। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ बराबर है लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर है एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 6 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का और डिवाइड बाई डेल एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स और माइनस 7x माइनस 7 डेल एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल एक्स प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 और डिवाइड बाय डेल एक्स। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, माइनस 7x प्लस 7x के साथ कैंसिल हो गया और 6 माइनस 6 के साथ। तो डी वाई बाई डी एक्स, बाकी जो तीन टर्म रहते हैं इसमें डेल एक्स कॉमन है। तो डेल एक्स प्लस 2x माइनस 7 डिवाइड बाई डेल एक्स और यहाँ हमारे साथ लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 है, लिमिट डेल एक्स टेन टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स ख़त्म और बाकी इस टर्म पे अप्लाई लिमिट अप्लाई कर ले तो डेल एक्स की जगह 0 आ जाएगा प्लस 2x माइनस 7। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 2x माइनस 7। तो जनरल फंक्शन हमारे साथ मालूम हो गया। अब पार्ट ए है कि मालूम कर ले डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट पी 5-4। तो x हमारे साथ 5 है तो इसका मतलब ये है कि x की जगह आप 5 पुट कर लें। तो पार्ट ए के लिए हमारे साथ डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ है 2x माइनस 7। सो फुट x इज इक्वल टू 5। जब हम x 5 पुट कर ले तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 7। सो दिस इम्प्लाइज एट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 5s are 10, 10 माइनस 7 से हमारे साथ आता है 3। तो पार्ट ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट बी है, टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 एट पॉइंट 5-4। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हमारे साथ है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स वन वाई वन हमें गिवन है 5-4 है, मतलब एक्स वन हमारे साथ 5 है, वाई वन हमारे साथ माइनस 4 है और स्लोप और डेरिवेटिव ये हमारे साथ कितना क्या है 3 है। तो ये भी यहाँ पे पुट कर ले तो वाई माइनस वाई वन की जगह आप पुट कर ले माइनस 4 इज इक्वल टू एम हमारे साथ 3 के बराबर है और x माइनस एक्स वन की जगह 5 पुट कर ले तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 15 या y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 प्लस 4 इस साइड पे लिख ले तो माइनस 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 19 विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन इक्वेशन।
तो पार्ट बी हमारे साथ साल हो गया। आखिरी पार्ट पार्ट नंबर सी है। तो पार्ट नंबर सी में रिक्वायर्ड है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व। ठीक है, तो हमारे साथ ऑन द कर्व 8.60। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी हमने मालूम किया है, ये हमारे साथ स्लोप है जो बराबर है 2x-7 का। जब 0.60 पे हम मालूम करते तो x हमारे साथ 6 है, तो x की जगह यहाँ 6 पुट कर ले, तो 2 × 6-7, सो m इज इक्वल टू 2 × 6 = 12, 12 - 7 से आता है 5। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन हमारे साथ 5 है। तो पार्ट सी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।